अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में सबसे पहले दोस्तों अपडेट जो आ रही है, खबर जो आ रही है, वो साथियों आ रही है सूरा काउंसिल इलेक्शन से। दोस्तों आपको पता होगा कि कतर में अभी 2 अक्टूबर को सूरा काउंसिल होने वाला है। तो दोस्तों नई नई खबरें वहां से हमेशा आती रहती है। तो दोस्तों नया खबर ये आ रहा है सूरा काउंसिल के कि 50 कैंडिडेट जो है दोस्तों वो विड्रॉ कर लिया, यानी दोस्तों जो नॉमिनेशन किया गया था उसमें से 50 लोगों ने अपना नाम को जो है वो वापस ले लिया है। टोटल अब तक वहां पे 234 कैंडिडेट लेफ्ट इन द फ्रे ऑफ अक्रॉस 13 कॉन्स्टिट्यूशनरी। टोटल 234 लोगों ने अब तक इस पे वापस नाम ले चुका है। दोस्तों गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन दोस्तों वहां पे नॉमिनेशन से करीब 50 लोगों ने अपना नाम को जो है वो वापस लिया है। तो दोस्तों सूरा काउंसिल को लेकर नई नई खबरें, नई नई अपडेटें आती रहती है। दोस्तों इनमें से यदि सभी का नाम मैं बताने लगूं कौन कौन लोगों ने इसमें नॉमिनेशन से अपना नाम को हटाया है तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा होगा, इसलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ता हूं और बताता हूं अगली खबर क्या आ रही है। अगली खबर साथियों एम्बेसी ऑफ इंडिया से है। दोस्तों यदि आप इंडियन हैं, इंडियन नागरिक हैं, वहां पे काम करते हो वहां पे कतर में, तो आपके लिए काफी अच्छा मौका है, काफी अच्छी खबर है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी की तरफ से दोस्तों ये अनाउंसमेंट किया गया है कि वहां पे एक स्पेशल काउंसलर कैंप लगाया जाएगा। जी हाँ साथियों, वहां पे इंडियन लोग आ सकेंगे, जो भी एक्सपर्ट लोग वहां पे काम करते हैं उस कैंप में उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये दोस्तों होगा जुमा के दिन 1 अक्टूबर 2021 को 10 बजे सुबह से लेकर 12 बजे दोपहर तक। अब टाइम को याद रखिएगा दोस्तों, 10 बजे सुबह से स्टार्ट होगा, 12 बजे दोपहर तक 2 घंटे का ये कैंप चलेगा जुमा के दिन 1 अक्टूबर को। उसकी एड्रेस मैं आपको बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए कहीं। एड्रेस होगा वेंचर गल्फ ट्रेनिंग सेंटर, स्ट्रीट नंबर 24, गेट नंबर 151, सलवा इंडस्ट्रियल एरिया। तो दोस्तों ये होगा एड्रेस, मैं एड्रेस फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेंचर गल्फ ट्रेनिंग सेंटर, स्ट्रीट 24, गेट 151, सलवा इंडस्ट्रियल एरिया। तो जो लोग भी दोस्तों यदि आप हैं वहां पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। एक ICBF हेल्प डेस्क कॉन्टेक्ट नंबर भी जारी किया गया, 2 नंबर, उसमें आप बात भी कर सकते हैं। नंबर है 3334-3465, दूसरा है 7786-7794। इस नंबर पर आप कॉल करके कोई जानकारी वगैरह जो है ले सकते हैं। अगली जो खबर साथियों आ रही है वो संयुक्त अरब इमीरात से लेकर आ रही है। तो खबर ये है दोस्तों, संयुक्त अरब इमीरात के निवासी के लिए खुशखबरी है, फेस मास्क कुछ सार्वजनिक स्थानों पे कोई लंबा मेंटरी नहीं होगा। मतलब दोस्तों कुछ जगहों पे फेस मास्क लगाना वहां पे अनिवार्य अब नहीं है, आप फेस मास्क को हटा सकते हैं, खोलकर रख सकते हैं। घोषणा के अनुसार छूट वाले स्थानों पर सार्वजनिक स्थानों के एक ही घर के परिवार के निजी वाहनों में आप मास्क नहीं लगा सकते, यानी दोस्तों यदि एक ही घर के परिवार के लोग हैं तो वहां पे मास्क लगाना आपके लिए जरूरी नहीं है। सैलून में बाल कटवाते वक्त या चेहरे का उपचार ये सब करवाते वक्त, समुद्र तट पर ग्रोस और स्विमिंग पूल में, चिकित्साओं सुविधा और क्लिनिकों में व्यायाम शामिल है। तो दोस्तों इन सभी जगहों पे आप यदि स्विमिंग करने जाते हैं, समुद्र किनारे जाते हैं, सैलून में जाते हैं, तो ये सब जगहों पे फेस मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है, बिना फेस मास्क के भी आप जा सकते हैं। अगली खबर साथियों जो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बड़ी अपडेट दोस्तों आ रही है, ध्यान से आप सुन लीजिए। ये जितने भी गल्फ कंट्रियां हैं सभी देशों ने ये बात को लागू कर दिया गया है, तो आप ध्यान सुनिए दोस्तों क्या खबर है। तो खबर दोस्तों ये आ रही है कि यदि कोई भी प्रवासी, यदि किसी भी गल्फ कंट्री में आप काम करते हो, कतर हो, सऊदी हो, बहरीन हो, ओमान हो, मतलब गल्फ की कंट्री दोस्तों जो भी है, कहीं पर भी यदि आप काम करते हो, यदि कोई आप पे आपराधिक गतिविधि देखा जाता है, यदि कोई दोस्तों वहां पे आप क्राइम करते हो और क्राइम करके यदि आप पकड़े जाते हो तो आपको ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। अब दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि इसमें नया क्या है, तो ब्लैकलिस्टेड दोस्तों अब इस तरह का होगा कि आप किसी भी गल्फ कंट्री में आप वहां पे फिर आप काम करने नहीं जा पाओगे। जी हाँ साथियों, यदि आप कतर में कांड करते हो तो आप किसी भी गल्फ कंट्री में नहीं जा पाते हो, या फिर आप कुवैत में किसी देश में भी काम करते हो, गल्फ के किसी भी देशों में, तो आपको यदि कहीं से ब्लैकलिस्टेड किया जाता है किसी भी गल्फ देशों से, तो फिर आप किसी भी देश दोस्तों आप काम करने नहीं जा पाओगे, आपको परमानेंटली आपको ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। जब आप पकड़े जाओगे तो कानून के GCC सुरक्षा अभियान के तहत आपका दोस्तों फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, और फिंगरप्रिंट लेने के बाद पूरे गल्फ कंट्री में वो फिंगरप्रिंट को सर्कुलेट कर दिया जाएगा, ताकि कहीं पे भी आपको जाओ तो आपको एंट्री वहां पे दोबारा नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है, सभी गल्फ कंट्रियों को मिलकर ये फैसला लिया है। इससे फैसला लेने से ये होगा कि क्राइम रेट जो है काफी गल्फ कंट्रियों में घटेगा, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे लोग, जैसे कि मैं कतर में, कोई भी कतर में रह रहा है, कतर में कोई यदि आपराधिक घटना करता है तो वो फिर दूसरा देश चला जाता है, दुबई, सऊदी, कहीं पर भी चला जाता है, तो उसको काम वहां पर मिल जाता है। पर अब क्या होगा, किसी भी देश में भी आपको कांड करोगे तो आपको वहां पर फिर एंट्री नहीं दी जाएगी कोई भी गल्फ कंट्रिया में।
दोस्तों ये कुछ खबरें थी जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथ ही नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।